आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में लाडली लक्ष्मी उत्सव दिवस मनाया गया। अग्रवाल मैरिज हाउस में मुख्यमंत्री की लाडली लक्ष्मी योजनाओं को 15 वर्ष पूरे होने पर लाडली लक्ष्मी उत्सव दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी पहुंचे। विधायक ने गणेश प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कन्याओं के पैर पूजा किया। साथ ही कन्याओं के पैर पूजन के बाद विधायक ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली लक्ष्मी योजना काफी कारगर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना को 2.0 का नाम दिया गया है। योजनाओं में काफी बदलाव किए गए हैं जिससे कन्याओं को और ज्यादा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि बेटियां माँ बाप के लिए बोझ ना बने, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार ही प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान पुरानी तहसील वार्ड नंबर 6 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजर सहित बालिकाओं ने रैली निकाली और आंगनवाड़ी की कई योजनाओं के बारे में बैनर से प्रचार प्रसार किया गया। रैली के साथ थाना प्रभारी प्रीति भार्गव अपने महिला बल के साथ चाक चौबंद नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ लाइव प्रसारण के माध्यम से किया। कार्यक्रम के दौरान जो छात्र छात्राएं बाघा बॉर्डर गई हुई थी, उन छात्र छात्राओं का विधायक राहुल सिंह लोधी ने सम्मान किया। बाघा बॉर्डर से छात्रा मिट्टी लाई थी, उस मिट्टी से सभी अतिथियों का छात्रा ने तिलक लगाकर स्वागत किया। तहसीलदार डॉक्टर कवि अनिल गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कविता के रूप में कहा कि मीरा ने घनश्याम लिखा, तुलसीदास ने राम लिखा, मदर्स डे पे मैंने माँ का नाम लिखा। कार्यक्रम के दौरान SDM सौरभ मिश्रा, तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता, परियोजना अधिकारी महेश दोहरे, महिला बाल विकास स्टोर बाबू रमेश अहिरवार और काफी संख्या में बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं भी शामिल रही। हरिशंकर जड़िया की रिपोर्ट। पहले तो मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज उनके द्वारा लॉन्च ये योजना 15 वर्ष पूरे हो गए और बहुत ही लाभप्रद योजना का पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों को उनको देश में जो था उन्होंने पढ़ाई के लिए और अन्य चीज़ों के लिए सुविधा मिली, उससे उनको बहुत लाभ हुआ है। इसी को देखते हुए आज उन्होंने मदर्स डे के दिन लाडली लक्ष्मी योजना 2 लॉन्च की है। इस योजना में बहुत सारी चीज़ें बढ़ा दी उन्होंने और बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ाई करने के लिए 12th के बाद जो पढ़ाई करेंगे उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे उसके लिए 25,000 रुपये की मदद मध्य प्रदेश सरकार देगी और हमारी मध्य प्रदेश सरकार की बस यही योजना है कि बच्चियाँ कैसे आगे बढ़ें, बच्चियों का विकास कैसे हो, बच्चियों शिक्षा के क्षेत्र में कैसे नाम कमाएं, अपने माँ बाप का नाम कैसे रोशन करें, बच्चियाँ जो पिछड़ गई थी, जो बच्चियों को आगे बढ़ने से रोका जाता था, उससे चीज़ों को 15 साल में सारी चीज़ें दूर हो गई। खरगापुर आगे बढ़ रही हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है, मध्य प्रदेश का नाम रोशन। खरगापुर विधानसभा में कहाँ कहाँ यह कार्यक्रम किया गया? खरगापुर विधानसभा में हर ब्लॉक में कार्यक्रम हुआ है। बल्लेगढ़ ब्लॉक में, खरगापुर ब्लॉक में, बलेरा ब्लॉक में हर जगह कार्यक्रम हुआ। पूरे मध्य प्रदेश में हर ब्लॉक में कार्यक्रम हुआ। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और CM साहब खुद भोपाल के कार्यक्रम में।